हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु की रसोई में। और आज हम बनाएंगे हम सबका पसंदीदा मटर पनीर। मटर पनीर बनाने की सामग्री की प्रॉपर लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आइए चलते हैं। ये हमने पनीर लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है, और ये उबला हुआ मटर, ये टमाटो प्यूरी, ये प्याज का पेस्ट, ये धनिया पत्ती और हरी मिर्च सजावट के लिए, ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं तड़का लगाने के लिए, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। आइए चलते हैं। ये कढ़ाई में हम सबसे पहले तेल ले लेते हैं, पनीर को फ्राई करते हैं और पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। इसको से अच्छे से चलाते रहें, नहीं तो पनीर कढ़ाई से चिपक जाएगा। अलग अलग पीसेस कर दें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब इसे हम अलग निकाल लेते हैं। और अब हम इसी बचे हुए तेल में ये खड़े मसाले डाल दिए, इसको हल्का सा भूनते हैं। और अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा भूनते हैं। अब प्याज का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरह लगातार चलाते रहें, नहीं तो पेस्ट इसमें लग जाएगा कढ़ाई में। इसे इसी तरह से लगातार हिलाते रहें। और ये अब हमारी प्याज भूनकर तैयार है और अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर दी और इसको इस तरह से लगातार हिलाते रहें। थोड़ा भुनने के बाद इसमें जो मसाले हमने तैयार किए थे वो डाल देंगे। ये मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। और मसाला भुनने तक हम इसको इसी तरह से हिलाते रहें, नहीं तो मसाला कढ़ाई से लग जाएगा। अब हमारा मसाला भुनने लगा है। देखिए मसाला भुनकर तैयार है। देखिए अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा हिला के इसी तरह से भूने और अब इसमें पनीर ऐड कर देते हैं और हमने जो उबला मटर रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला मटर और पनीर को अच्छे से पकड़ लें। इसी तरह से इसे थोड़ा सा भूनेंगे। अब 2 मिनट इसको ढककर रख दें। 2 मिनट बाद इसको देखें, मसाला तेल छोड़ रहा है और अब इसमें
तरी के लिए हमें जितना पानी रखना है वो देख ले कि किसी को तरी ज़्यादा चाहिए होती है और किसी को कम चाहिए होती है। ये अब इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए रख दें। ये 5 मिनट उबल गई है सब्जी। और सब्जी देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। सब्जी बनकर तैयार है हमारी। अब गैस बंद कर दिया हमने और देखिए हमारी सब्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसे पूरी या फुलके के साथ कैसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। और इसको अलग बर्तन में हम अब निकाल लेते हैं और इसको धनिया पत्ती और मिर्च से सजा देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।